हेलो एवरीवन, रोशनी प्रोफेशनल ब्यूटीशियन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ ऑक्सीब्लीच शेयर करने वाली हूँ। उस वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए समय न गवाते वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा जो है ऑक्सीब्लीच। मैंने इसके पहले आपको बताया था नेचर्स का ब्लीच कैसे किया जाता है। चलिए आज हम आपको बताएं कि ऑक्सीब्लीच कैसे किया जाता है। ये भी उसी की तरह किया जाएगा। देखिए, मैंने कंटेनर में क्रीम और एक्टिवेटर पाउडर दोनों निकाल दिया है। इसमें एक फेस के लिए ही क्रीम रहता है और दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पाउडर एक्टिवेटर क्रीम और एक्टिवेटर दोनों अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले अपने हैंड पे चेक करें। कोई भी ब्लीच अप्लाई करने के पहले अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अपने हैंड पे करें, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको किसी मतलब तरह की एलर्जी तो नहीं हो रही ब्लीच से। कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, उससे होती है, तो इसलिए आप पहले फेस पे हाथ पे अप्लाई करें, उसके बाद फेस पे अप्लाई करें। तो उसके बाद मैंने बालों को सिक्योर किया और ये रहा क्लिनजर, जिससे हम अपने स्किन को मसाज करेंगे। क्लिनजर से मसाज करने से क्या होता है, हमारे स्किन में जो भी प्रोडक्ट लगा हुआ है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाता है। और ब्लीच करने के पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन करें। अगर आपके पास क्लिनजर नहीं तो फेस वाश और साबुन हो तो उसी से अपने इस चेहरे को क्लीन कर लें। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे हम 2 से 4 मिनट तक या 5 मिनट तक। अगर आप फेस वाश अप्लाई करते हैं तो उसको भी इसी तरह से मसाज करें और उसके बाद इस तरह से साफ कर दें अपने फेस को। और ब्लीच लगाने के पहले हमारी स्किन ड्राई होना चाहिए, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से पानी से साफ कर लिया है। उसके बाद मैं अपने स्किन को ड्राई करूँगी और ब्लीच को अप्लाई करूँगी। तो ब्लीच जब भी अप्लाई करें इतना ध्यान दें कि आपको आईब्रो पे नहीं लगाना है, आँखों की पे नहीं लगाना है, आई एरिया छोड़ के ही अप्लाई करना है और जो अगल बगल बाल है उससे बचा के लगाना है। तो इस तरह से फेस पे लगाने के बाद 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे। और जिसकी स्किन थोड़ी सी ज़्यादा मतलब ड्राई है तो उसको 15 मिनट तक छोड़ सकते हैं, 20 मिनट तक नहीं तो 10 से 15 मिनट तक, 10 मिनट ज़्यादातर रखिए चेहरे पे। उसके बाद उसको रिमूव कर देना है। और इस तरह से देखिए मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया है और इसको हम छोड़ देंगे 15 मिनट बाद। फिर हम आपको दिखाते हैं इसको हम रिमूव कैसे करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिएगा। तो इस तरह से मैंने ब्लीच को 15 मिनट हो चुका है, अब इसको साफ करेंगे। देख सकते हैं काफ़ी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था इस ब्लीच का। और मैंने भी फर्स्ट टाइम इसको अपने चेहरे पर अप्लाई किया है, नहीं तो मैं ज़्यादातर फ्रूट्स और नेचर्स का गोल्ड ब्लीच अप्लाई करती हूँ। मैंने इसके पहले नेचर्स का गोल्ड ब्लीच आपको बताया हुआ है, तो मैं इस समय आपको ये बता रही हूँ ऑक्सीब्लीच कैसे किया जाता है। देखिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ है। तो आप ये सीरम लगा सकते हैं। मुझे अभी फेशियल करना है, तो जो नेक्स्ट वीडियो मेरा फेशियल का रहेगा उसको ज़रूर देखिएगा। उसको करने के बाद मैं ये सीरम अप्लाई करूँगी। अगर आप सिर्फ ब्लीच कर रहे हैं तो इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा और साबुन नहीं लगाइएगा 24 घंटे। नेक्स्ट वीडियो